अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टैली में रिसीट वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको टैली में कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनके महत्व और उपयोग के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रिसीट वाउचर के बारे में और इसी के साथ हमारा टैली में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का काम भी आरंभ हो जाएगा, जो कि अकाउंटिंग का मूल आधार है। एक निवेदन याद रखिए, आपको सिर्फ वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले हम एक बार फिर रिसीट वाउचर के बारे में समझ लेते हैं। जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से व्यवसाय का स्वामी कोई पूंजी लाता है, किसी ग्राहक से पेमेंट या एडवांस प्राप्त होता है या किसी अन्य कारण से प्राप्ति होती है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि कैश सेल्स से प्राप्त होने वाली कोई भी राशि यानी प्राप्ति इस वाउचर में नहीं आएगी। उसका कारण यह है कि टैली ने सेल्स के लिए अलग से वाउचर बना रखा है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें फिर से दोहरा लेते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहली स्टेप है कि हम ये पहचानें कि ट्रांजैक्शन किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा, और ये हम आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को देखकर कैसे पहचानें कि उसे टैली में किस वाउचर में रिकॉर्ड करना है ये वाली वीडियो में बता चुके हैं। ट्रांजैक्शन पहचानने वाली वीडियो में हमने रिसीट वाउचर से संबंधित कुछ ट्रांजैक्शंस छांट लिए थे, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम टैली में रिकॉर्ड करेंगे। रिसीट वाउचर में काम करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस के बीच हमने आपको जर्नल में एंट्री करने के कुछ नियम बताए थे, और चूंकि टैली में हम जर्नल के स्थान पर वाउचर्स का उपयोग करते हैं, इसलिए जर्नल के वो ही नियम यहाँ भी लागू होंगे। सबसे पहला नियम है, आप ट्रांजैक्शन सामने रखकर ये देखें कि प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं, उनका नाम क्या है या उनका क्या नाम दे सकते हैं। दूसरा नियम, दोनों खाते किस प्रकार के हैं, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। तीसरा नियम, इन दोनों खातों के बारे में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, यानी इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो आइए इन नियमों के साथ आगे काम करते हैं। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है, 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1,00,000 रुपए नकद पूंजी यानी कैपिटल लाए। अब हमारा पहला सवाल है, इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दो खाते कौन से हैं? ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ नकदी आई है तो ये हुआ एक खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं, नकदी कौन लाया है? हम, यानी व्यापार का स्वामी नकदी लाया है। जैसा कि हमने आपको कैपिटल की परिभाषा में बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यापार में कोई संपत्ति या माल या नकदी लाता है, ये उसकी पूंजी कहलाती है। तो ये हुआ हमारा दूसरा खाता, यानी इस ट्रांजैक्शन से प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, नकदी यानी कैश और पूंजी यानी कैपिटल। दूसरा सवाल है, खाते किस प्रकार के हैं? इसका निर्णय आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की डेफिनेशंस को ध्यान में रखकर कर सकते हैं।
और इसके बारे में हम आपको डिटेल में हमारी वीडियो डेफिनेशन ऑफ अकाउंट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में बता चुके हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नकदी का खाता रियल अकाउंट है और पूंजी यानी कैपिटल का खाता पर्सनल अकाउंट। अब तीसरा सवाल है, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। इसके बारे में हम आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग वाली वीडियो में समझा चुके हैं। देखिए, पूंजी आई यानी प्राप्त हुई है और इसे देने वाला है कैपिटल अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट्स के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, देने वाले को क्रेडिट करो यानी क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम देखते हैं दूसरा खाता जो कैश का है। व्यापार में कैश आया है और कैश रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट्स के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब ये हुआ कि कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो चलिए टैली में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। टैली में जैसे ही हम कोई कंपनी ओपन करते हैं तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली की विंडो दिखाई पड़ती है। इसे हम टैली में जाने का मेन गेट यानी मुख्य दरवाजा भी कह सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग हेडिंग्स जैसे मास्टर्स, ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं, और इनके अंतर्गत कुछ ऑप्शंस भी दिखाई पड़ रहे हैं। मास्टर्स के अंतर्गत आप जो अकाउंट्स इन्फो देख रहे हैं उसमें हम लेजर्स के बारे में सीख चुके हैं। आज हम ट्रांजेक्शंस हेडिंग के अंतर्गत आने वाले पहले ऑप्शन अकाउंटिंग वाउचर्स में काम करने जा रहे हैं। इसमें हमें सभी तरह के अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग वाउचर्स मिलते हैं, जिन्हें हम आगे एक एक करके देखेंगे। अभी हम रिसीट वाउचर बनाना चाहते हैं, उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए कीबोर्ड पर V प्रेस करें। आगे बढ़ने से पहले F12 की सहायता से कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। कीबोर्ड पर F12 की प्रेस करें। देखिए, यहाँ पहले चार ऑप्शंस नो होना चाहिए, और उसके बाद का जो ऑप्शन है यूज क्रेडिट और डेबिट इंस्टेड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग एंट्री यस होना चाहिए। यदि ये सही है तो एस्केप की से बाहर आ जाएं, और यदि नहीं तो आप एंटर या डाउन एरो की से उन पर जाकर उन्हें Y या N कीज प्रेस करके यस या नो कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को ज्यादा डिटेल में हम आपको आगे समझाएंगे। इसके बाद इस विंडो को कंट्रोल और A कीज प्रेस करके एक्सेप्ट कर लें। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन का जो उपयोग किया है उसका प्रभाव हमारी कंपनी के सभी वाउचर्स पर रहेगा। मतलब इस कंपनी में काम करते समय अगले किसी भी वाउचर में हमें इनमें से कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आइए अब अकाउंटिंग वाउचर्स पर काम कर लेते हैं। राइट साइड में वर्टिकल बटन बार में सभी वाउचर्स और उनके नाम के पहले उनके शॉर्टकट दिखाई पड़ रहे हैं। रिसीट वाउचर के लिए F6 की प्रेस करें। देखिए, ऐसा करते ही रिसीट वाउचर क्रिएशन विंडो ओपन हो गई है, और अभी हम डेट पर हैं। आपको जिस तारीख में ये वाउचर बनाना है वो तारीख यहाँ पर टाइप करें। हमें 1 अप्रैल में ही ये वाउचर बनाना है, इसलिए हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पर्टिकुलर में CR यानी क्रेडिट ऊपर आ रहा है, जबकि हमने मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस में जर्नल में आपको बताया था कि डेबिट ऊपर आता है और क्रेडिट नीचे आता है, पर टैली ने हमारी सुविधा के लिए इसे उल्टा कर दिया है। यहाँ पहले क्रेडिट आ रहा है। क्रेडिट में हमें जिससे रुपया प्राप्त हो रहा है उस लेजर का नाम लेना होता है, जैसे कि कोई पार्टी का अकाउंट या कोई इनकम अकाउंट या कैपिटल अकाउंट हो सकता है। इसके बाद डेबिट में हमें जिस तरह से रुपया प्राप्त हो रहा है, जैसे कैश या बैंक के माध्यम से, तो उसका अकाउंट लेना होता है। ध्यान रखें, रिसीट वाउचर में देने वाले का अकाउंट हमेशा पहले आता है और वो क्रेडिट होता है, और जिस तरह से रुपया प्राप्त होता है जैसे कैश या बैंक अकाउंट के माध्यम से, वो बाद में आता है और वो डेबिट होता है। डेट के बाद हम एंटर प्रेस करके CR यानी क्रेडिट पर आ गए हैं। देखिए, राइट साइड में एक लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आ रही है। इस लिस्ट में से आप वो लेजर सिलेक्ट करें जिसे क्रेडिट करना है। उसके लिए उस लेजर के नाम का पहला अक्षर टाइप करें। हम प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट के लिए P टाइप करेंगे। देखिए, ऐसा करते ही टाइप किए गए अक्षर से शुरू होने वाले सभी नाम यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं।
आप अप या डाउन एरो से उस पर जा करके एंटर प्रेस कर दें। अब क्रेडिट में अमाउंट टाइप करें और एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही नीचे वाली लाइन में DR दिखाई पड़ रहा है, एंटर प्रेस करें। अब यहाँ डेबिट में पहले बताए अनुसार लेजर सिलेक्ट करें। हमें कैश अकाउंट डेबिट करना है इसलिए उसे सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते ही हमने जो राशि क्रेडिट में लिखी थी वही राशि डेबिट में भी आ गई है। अब एंटर प्रेस करें। अब नरेशन में आपने ऊपर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है उसका संक्षिप्त विवरण दे दें। बीइंग रुपीज 1 लाख कैश ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर एज कैपिटल। अब एंटर प्रेस करते हुए इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। स्केप की दबा करके वापस गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन। 1 मई को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशोक ट्रेडर्स से दिलवाया था, अशोक ट्रेडर्स से हमें उसका कमीशन 5,000 रूपए चेक द्वारा प्राप्त हुआ जो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में डिपॉजिट किया। अब देखते हैं प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं। देखिए कमीशन प्राप्त हुआ है यानी एक खाता है कमीशन रिसीव्ड का। दूसरी बात, कमीशन किस तरह प्राप्त हुआ है, कैश या बैंक के माध्यम से? तो हमें चेक प्राप्त हुआ है और चेक बैंक में जमा होगा यानी दूसरा खाता है बैंक का। दूसरा सवाल है खाते किस प्रकार के हैं? तो देखिए कमीशन रिसीव्ड का खाता नॉमिनल अकाउंट है और बैंक का खाता पर्सनल अकाउंट। अभी हमने जो निर्णय किया है उसे कंफर्म करने के लिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर चलते हैं। यहां आप देख सकते हैं कमीशन रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है और बैंक का खाता पर्सनल अकाउंट है। तो यहां से हमने कंफर्म कर लिया है कि दोनों खाते किस प्रकार के हैं। अब तीसरा सवाल है कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। देखिए कमीशन प्राप्त हुआ यानी आय हुई है। अब चूंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट्स के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, सभी आमदनी और लाभों को क्रेडिट करो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम देखते हैं दूसरा खाता जो बैंक का है। चूंकि बैंक में पैसा आ रहा है यानी पाने वाला बैंक है और ये पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट्स के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, डेबिट द रिसीवर यानी पाने वाले को डेबिट करो, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा। जैसा हमने आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स वाली वीडियो में बताया था, हम उस तरीके से इसे कंफर्म कर लेते हैं। उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इस ट्रांजैक्शन का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कमीशन प्राप्त हो रहा है मतलब कमीशन अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा और कमीशन की राशि बैंक में जमा होगी तो बैंक का बैलेंस भी बढ़ेगा। देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कमीशन रिसीव्ड इनकम के अंतर्गत आता है और इसका नियम है यदि बैलेंस इंक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करो। अब बैंक अकाउंट देखते हैं। बैंक अकाउंट असेट्स में आता है और इसका नियम है यदि बैलेंस इंक्रीज हो तो उसे डेबिट करो। यानी ये कंफर्म हो गया कि हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की सहायता से जो निर्णय लिया था वो सही है। चलिए अब टैली में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए वी प्रेस करें। यहाँ रिसीट वाउचर की विंडो ही आ रही है क्योंकि अभी हमने इसके पहले रिसीट वाउचर ही उपयोग किया था। यदि नहीं आ रही हो तो उसके लिए F6 की प्रेस करें। वाउचर की डेट डालें, एंटर प्रेस करें। CR में जिससे या जिस बिहाफ पर प्राप्ति हुई है उस लेजर का नाम सेलेक्ट करें, जैसे यहाँ हम कमीशन रिसीव्ड अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें, यहाँ अमाउंट टाइप करें, एंटर प्रेस करें। अब यहाँ DR ही रहने दें, एंटर प्रेस करें। यहाँ डेबिट में हमें उस बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा जिसमें हमने चेक डिपॉजिट किया है। देखिए डेबिट में भी वही अमाउंट आ रहा है जो हमने क्रेडिट में टाइप किया था, एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही बैंक अलोकेशंस विंडो आएगी जिसमें राइट साइड में एक लिस्ट दिखाई पड़ेगी और यदि लिस्ट ना दिखाई दे तो स्पेस बार प्रेस करें और लिस्ट में से ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करें।
और फिर एंटर प्रेस करते हुए इंस्ट्रूमेंट नंबर पर आएं। यहां आपको जो चेक प्राप्त हुआ है उसका नंबर टाइप करें और एंटर प्रेस करें। इंस्ट्रूमेंट डेट में जिस तारीख का वो चेक है वो तारीख टाइप करें और एंटर प्रेस करें। देखिए बैंक के सामने हमारा कर्सर आ गया है। अभी हम यहाँ कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं तो टाइप नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें स्पेस बार प्रेस करना होगी। ऐसा करते ही राइट साइड में लिस्ट ऑफ बैंक्स आ जाएगी। अब इसमें डाउन एरो की से स्पेसिफिक बैंक पर जाएं और एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही आपसे बैंक का नाम पूछा जाएगा। आपको जिस बैंक का चेक मिला है उसका नाम टाइप करें और एंटर प्रेस कर दें। अब यहां नरेशन टाइप करें और कंट्रोल और ए कीज एक साथ प्रेस करके इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। आइए शॉर्ट में एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। 2 मई 2020 को हमारे कस्टमर मोहन ट्रेडर्स ने हमें माल का ऑर्डर देते हुए 10,000 रुपए नकद एडवांस दिए। देखिए इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, एक मोहन ट्रेडर्स और दूसरा कैश अकाउंट का। मोहन ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अनुसार मोहन ट्रेडर्स का खाता क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। आइए इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले डेट डालें, यहाँ पार्टी का नाम सेलेक्ट करें। चूंकि इस पार्टी का लेजर नहीं बना हुआ है, ऑल्ट और सी कीज को प्रेस करके पहले लेजर बना लें। यहाँ पर अमाउंट डालें। देखिए बिल वाइज डिटेल्स की विंडो आ रही है, इसका क्या उपयोग है ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी या तो आप इसमें ऑन अकाउंट सिलेक्ट कर लें और आगे बढ़ जाएं, या फिर बैक स्पेस की से वापस रिसीट वाउचर क्रिएशन विंडो पर आ जाएं। यहाँ कंपनी फीचर्स F11 प्रेस करके मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को नो कर दें और इस विंडो को एक्सेप्ट कर लें। ऐसा करने पर जब आप आगे काम करेंगे तो बिल वाइज डिटेल्स की विंडो नहीं आएगी। यहां हमें फिर से अमाउंट डालना होगा, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। यहां पर DR ही रहने दें। यहां कैश अकाउंट सिलेक्ट करें और अब यहां पर नरेशन टाइप कर दें, बीइंग एडवांस रिसीव्ड अगेंस्ट ऑर्डर फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स बाय कैश। अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। ध्यान रखें जब तक आप मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन को समझ नहीं लेते तब तक इस तरह की विंडो आने पर आपको या तो ऑन अकाउंट सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है या F11 की सहायता से इस ऑप्शन को नो करना है। प्रत्येक वीडियो में हम कुछ नई बातें विस्तार से बताते हैं और बाद में उनका संक्षेप में उपयोग करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ उपयोगी सीखने से आप वंचित ना रह जाएं, तो कृपया सभी वीडियोस को क्रमानुसार ही देखें। अभी हमने रिसीट वाउचर में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उन्हें हम कैसे देख सकते हैं और इन ट्रांजैक्शन में हमने जो लेजर्स उपयोग किए हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम आपको सभी वाउचर्स के उपयोग को समझाने के बाद बताएंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको पेमेंट वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये समझाएंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF दिया है,